हेलो बैंकर्स, आर यू रेडी फॉर ए बिग सरप्राइज कमिंग सून? यस। सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। 15 अगस्त की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। अब हम बात करते हैं उस बिग सरप्राइज की जो कि बहुत जल्दी आ रहा है। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि हमारा ऐप है वो अभी आने वाला है, तो फुल स्टडी का अपना ऐप अभी रिलीज होगा। अब हम बात करेंगे जो सारे डाउट्स आप लोग टेलीग्राम चैनल पे पूछ रहे थे, यूट्यूब पे पूछ रहे थे, उन सारे डाउट्स को हम यहाँ पे क्लियर करें। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बैंक प्रमोशन एग्जाम्स 2024-25 यानी अभी नेक्स्ट ईयर में जो एग्जाम होने वाले हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। तो सबसे बड़ा बिग सरप्राइज जो कमिंग सून है वो है हमारा ऐप फुल स्टडी। ठीक है, हमारा ऐप फुल स्टडी जो आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ऐप अभी सर्च बॉक्स में नहीं आ रहा क्योंकि अभी डाउनलोड्स नहीं हुए हैं। ये एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक होती है SEO, जहां से जैसे ज़्यादा सर्च होते हैं, जैसे रेटिंग्स मिलती है, उसी हिसाब से ऐप्स वहां पे सर्च बॉक्स में आते हैं। तो अभी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐप का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक को ओपन करोगे तो हमारा यही फुल स्टडी का पेन वाला लोगो है वो आपको वहां पे मिलेगा और आपको वहां से ऐप डाउनलोड करनी। ठीक है, तो आप ऐप को डाउनलोड करें, अपने रिव्यू दें, रेटिंग्स दें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है। तो अब हम बात करेंगे सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन 2025 के नए बैच के बारे में। तो सबसे पहला बैच जो हम लेके आ रहे हैं वो ऐप पर होगा सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन के लिए। इस बैच को हमने समर्थ बैच नाम दिया है। ठीक है, समर्थ बैच 2025 जो कि बहुत जल्द स्टार्ट होगा। तो आप सभी को लिंक मैं अभी एप्लीकेशन का प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल है वो है फुल स्टडी बैंकर्स के नाम से। फुल स्टडी बैंकर्स के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोगों ने ज्वाइन कर रखा होगा। जिसने ज्वाइन नहीं किया तो अभी डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पे जाना। टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर लें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ जनरल चीजों के बारे में। जो आपकी क्वेरी थी कि व्हाट विल बी रिक्वायर्ड फॉर बेटर प्रिपरेशन, एक बेहतर प्रिपरेशन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट हमें होती है या हर किसी स्टूडेंट को होती है। तो एक बेहतर रिक्वायरमेंट, बेहतर प्रिपरेशन के लिए, अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे पास वीडियो कोर्सेज होने चाहिए। ठीक है, हम वीडियोस को देख सकते हैं, हम यूट्यूब पे देख सकते हैं, हम किसी भी ऐप पे देख सकते हैं, या फिर हमारे पास लाइव क्लासेज होनी चाहिए। एक ही बात है, वीडियो या लाइव क्लासेज। अब एक बैंकर के लिए इतना तो पॉसिबल नहीं होता कि वो लाइव क्लासेज ले, मतलब जो ऑफलाइन बैचे हैं वो ऑफलाइन बैच ले। ऑफलाइन बैच हम नहीं ले पाते क्योंकि हम जॉब करते हैं। तो हमारे पास एक वीडियोज अवेलेबल होनी चाहिए जिनको हम देख सकें, जो चीज़ें हमें थ्योरिटिकल या फिर प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हमें थ्योरी से समझ में नहीं आते, पढ़ने से समझ में नहीं आते, तो वो हमें कोई समझाए कि कैसे करना है, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वीडियो चाहिए होता है। कॉम्प्लेक्स चीज़ है, थ्योरी में भी समझ में नहीं आ रही तो हमें एक वीडियो चाहिए होती। ठीक है, दूसरा, हम वीडियो से पूरी तैयारी कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या चाहिए होता है कि हमने तैयारी की है उसको हम अब जांचें परखें, उसके लिए हमें टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अब एक चीज आप हमेशा याद रखना, आपने वीडियोस से सब कुछ पढ़ लिया, जब तक आपने टेस्ट नहीं दिए, अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव आपकी जो प्रिपरेशन है वो अधूरी है। क्योंकि टेस्ट में आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, आप गलतियां करोगे उनसे इंप्रूवमेंट का आपको मौका मिलेगा। आपने सारे वीडियोस पढ़ लिए, सब कुछ तैयारी कर ली, आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे एक एग्जाम फियर आपको रहता है। कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम फियर के नाम से ही गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपने प्रिपरेशन की है, चाहे वो आपने वीडियो से की है, चाहे वो ऑफलाइन क्लासेज से की है, चाहे वो आपने स्टडी मटेरियल से की है, बुक्स से की है, उनको टेस्ट के रूप में देना यहाँ पे जरूरी है। कम से कम 4-5 टेस्ट हम यहाँ पे देंगे तो हमें पता लगेगा क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आते हैं, वो चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी, एग्जाम फियर हमारा दूर होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है वो है स्टडी मटेरियल।
अब स्टडी मटेरियल है वो बुक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर वो ई बुक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, या वो पीडीएफ के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो, हमें स्टडी मटेरियल भी चाहिए होता है। तो बेटर प्रिपरेशन के लिए हमें ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो क्लासेज हमें चाहिए होती हैं, दूसरा टेस्ट हमें चाहिए होता है, तीसरा हमें स्टडी मटेरियल चाहिए होता है। अगर ये तीनों चीज़ें हमने कर ली तो आप मान के चलिए कि हमारी तैयारी अपनी तरफ से है वो 100% कंप्लीट है, ठीक है। 100% हम अपना दे चुके हैं, अब एग्जाम पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि एग्जाम किस टाइप का आता है, लेकिन ये सब हमने किया है तो एग्जाम हमारा बिल्कुल बेहतर ही होगा, अच्छे से अच्छा ही होगा। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हिच टाइप ऑफ कोर्सेज वी विल ऑफर। अब हमारा फुल स्टडी का जो अपना ऐप है उस पर हम किस टाइप के कोर्स ऑफर करेंगे, तो इस पर हम प्रमोशन कोर्स ऑफर करेंगे। बैंक प्रमोशन कोर्स में हम सब स्टाफ प्रमोशन का सबसे पहला कोर्स है वो हमारा सब स्टाफ प्रमोशन को लेकर के रहेगा, ठीक है। सेकंड जो हमारा यहाँ पे कोर्स है वो क्लर्क टू ऑफिसर प्रमोशन का रहेगा, ठीक है। क्लर्क टू ऑफिसर या फिर ऑफिसर्स प्रमोशन जिसमें ऑलमोस्ट स्वयं सा ही सिलेबस रहता है वो रहेगा। तो दो टाइप के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। अभी जो करंटली हम कोर्स स्टार्ट करेंगे वो सब स्टाफ प्रमोशन का कोर्स ही हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। अब इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहेगी। सबसे पहला हमारा कंटेंट रहेगा वीडियो क्लासेज का, ठीक है, वीडियो क्लासेज आपको मिलेगी। सेकंड कोर्स हमारा रहेगा टेस्ट सीरीज का, एक कोर्स हमारा वीडियो क्लासेज का रहेगा, एक कोर्स हमारा रहेगा टेस्ट सीरीज का, कि आपने जो प्रिपरेशन की है उसका आप लोगों को टेस्ट देना। अब किसी को सिर्फ टेस्ट चाहिए, ठीक है, क्लासेज वो ऑलरेडी कर चुका है या फिर उसको नहीं करनी है, बुक से पढ़ चुका है, उसको सिर्फ टेस्ट देना है, तो ओनली टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। अब किसी को टेस्ट नहीं देने, सिर्फ वीडियो क्लासेज ही करनी है, टेस्ट कहीं और से ले रखा है जो भी है, तो उस किसी को अगर वीडियो क्लासेज करनी है तो उसके लिए वीडियो क्लासेज का भी ऑफर रहेगा। थर्ड वन यहाँ पे आता है बंडल कोर्स, एंड दैट इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड आवर बेस्ट कोर्स जो रहेगा वो रहेगा बंडल कोर्स। अब बंडल कोर्स में क्या मिलेगा, आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, सेकंड वाला जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगी, प्लस थर्ड वाला आपको ई बुक्स यानी एक कंप्लीट कॉम्बो यहाँ पे आपको मिलेगा, एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा बंडल कोर्स में, वीडियो क्लासेस भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी और ई बुक्स भी मिल जाएगी। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स की वैलिडिटी क्या रहेगी, ठीक है, कोर्स की वैलिडिटी क्या रहेगी, तो कोर्स की वैलिडिटी रहेगी टिल एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो, आपके ये वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। अब कोर्स कब अवेलेबल होगा, तो ऐप अभी हमारा आ गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। कोर्स अभी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, ऐप में आपको कुछ पोस्टर ही मिलेंगे आप डाउनलोड करोगे तो। कोर्स हमारा 1 सितंबर के लगभग स्टार्ट होगा, ठीक है, 1 सितंबर तक मैं कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। तब तक आप हमारी जो YT क्लासेस हैं लास्ट ईयर्स के, जो यहाँ पे पेपर्स वगैरह करवाए गए हैं वो आप सब लोगों ने देखे होंगे, वहाँ से देख सकते हैं। कोर्स 1 सितंबर के बाद ही आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। मोस्टली हम ट्राई करेंगे कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाए। कुछ लोग जैसे कुछ साथियों के बहुत जल्दी रहती है ना, जल्दबाजी तो रहती है, तो वहाँ पे आप फिर पूछने लग जाओगे कि सर हमने ऐप डाउनलोड कर लिया, कोर्स कब अवेलेबल होगा, कोर्स कब अवेलेबल होगा। कोर्स में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोर्स की प्राइस क्या रहेगी, कोर्स की प्राइस क्या रहेगी। तो कोर्स की प्राइस के रिगार्डिंग जिस टेक्नोलॉजी से हमने ऐप बनवाई है, ठीक है, तो हमने माइक्रोसॉफ्ट बंच टेक्नोलॉजी से ऐप बनवाया, तो उनका एक तो एप्लीकेशन का चार्ज रहता है भाई, उन्होंने ऐप बनवाने का हमसे चार्ज लिया है। उसके बाद दूसरा उनका चार्ज रहेगा क्लाउड चार्ज, ठीक है, एप्लीकेशन का चार्ज जो हम अभी पे कर चुके हैं, क्लाउड चार्ज। जैसे ही आप कोर्स परचेज करोगे, ठीक है, कोर्स परचेज करोगे तो आपको स्टोरेज मिलती है उस कोर्स को देखने के लिए, उसे बोलते हैं क्लाउड चार्ज, वो चार्ज ऐप एप्लीकेशन हमसे लेगी। तीसरा यहाँ पे रहता है पेमेंट गेटवे का चार्ज, मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ क्लियरली। पेमेंट गेटवे का चार्ज रहता है, यानी आप लोग कोर्स परचेज करते हो तो जो पेमेंट करते हो वो पेमेंट एक
एप्लीकेशन के थ्रू जो एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, जो यूजर यहाँ पे है, जो टीचर यहाँ पे है, उसको वो पेमेंट किस टाइप से मिले, उसके लिए पेमेंट गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे का चार्ज रहेगा। ये दो चार्ज कब रहते हैं? ये दो चार्ज रहते हैं जब आप लोग कोर्स परचेज करते हो, हम लोग कोर्स परचेज करते हैं। एप्लीकेशन चार्ज फर्स्ट टाइम ही कंपनी यहाँ पे ले लेती है, आपने जब ऐप बनवाया है तो एप्लीकेशन चार्ज लग चुका है। उसके अलावा क्लाउड और पेमेंट गेटवे के चार्ज और लगेंगे। और थर्ड वन बात ये है कि ये सारा मैं मैनेज नहीं कर सकता, इतना टाइम मुझे भी नहीं मिलता, तो इसको मैनेज करने के लिए एक हमारे साथी हैं, उनको उसकी भी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो कुछ पैसा तो उसको भी चाहिए भी, क्यों, आप सब लोग क्या हो, आप सब लोग रोजगार है यहाँ पे आप सभी लोगों के पास। लेकिन जो हमारा एक साथी है जिसको मैंने ये काम दिया है, वो एप्लीकेशन को मैनेज करेगा भी, वो तो बेरोजगार है, तो वो फ्री में कैसे काम कर देगा। कुछ 10-15 हज़ार रुपये तो उसको भी चाहिए अपना लाइफ चलाने के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे एप्लीकेशन को मैनेज करेगा, कुछ पेमेंट उसको भी चाहिए होगा। मैं अपनी तरफ से सब कुछ फ्री दे सकता हूँ, मैं आपको फ्री पढ़ा सकता हूँ, मैंने पढ़ाया भी है यूट्यूब पे, हमारी तरफ से सब कुछ फ्री रह सकता है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं इनका पैसा लगता है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें भी मैं अपनी तरफ से पे कर दूँ, सोचिए आप, क्या ऐसा होना चाहिए? तो ऐसा ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो अब इस पे चार्जेस की हम बात करें, तो एक स्पेशल डिस्काउंट हमारा रहेगा यहाँ पे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले एनरोलमेंट करने वाले 100 स्टूडेंट को जो हमारे कोर्सेज हैं वो यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट पे मिलेंगे। अब इसी कोर्स को लेकर के हमने तीन टाइप के कोर्स हैं, तो तीन टाइप की फीस यहाँ पे रहेगी। अब जो एप्लीकेशन पे यहाँ पे ग्रोथ मैनेजर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं, बताते हैं किस टाइप का कोर्स रहना चाहिए, किस टाइप की फीस रहनी चाहिए। तो जब यहाँ पे हमने बात की कोर्स के रिगार्डिंग, तो उन्होंने हमसे कुछ डेटा लिए, ठीक है। उन्होंने पूछा कि मार्केट में सिमिलर कोर्सेज हैं उनकी फीस क्या है। तो मार्केट में जो सिमिलर कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रमोशन के, उनकी 5 से 10 हज़ार रुपये की प्राइस यहाँ पे चल रही है, ठीक है। 5 से 10 हज़ार रुपये की प्राइस यहाँ पे मार्केट में सिमिलर कोर्सेज की चल रही है। अब सेकंड चीज़ उन्होंने ये पूछा कि ये कोर्स की वैलिडिटी कितनी है। तो मार्केट में जो सिमिलर कोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी वैलिडिटी रहती है 1 वीक के समथिंग, 7 डेज के समथिंग वो आपको कोर्स देते हैं, पढ़ना होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे मार्केट रिसर्च किया गया, ठीक है। जो यहाँ पे ग्रोथ टीम थी, एक्सपर्ट टीम थी, उनके द्वारा कि मार्केट में सिमिलर कोर्सेज 5 से 10 हज़ार रुपये में अवेलेबल हैं, 7 दिन की वैलिडिटी रहती हैं। अब उन्होंने हमसे पूछा कि आप वैलिडिटी कितने दोगे, तो भी हमने क्लियरली बोल दिया हमें स्टूडेंट को टिल एग्जाम वैलिडिटी देनी, ठीक है। एग्जाम तक जितनी बार मर्जी हो वो पढ़ सकें, टेस्ट अटैम्प्ट कर सकें, हमें ऐसा कोर्स डेवलप करना है। अब उन्होंने ये सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद उन्होंने कोर्स की एक फीस डिसाइड की, 7,777 रुपये, ठीक है। उन्होंने बोला आप सर इस टाइप का कोर्स लेके आ रहे हो, मार्केट में सिमिलर कोर्सेज इस टाइप्स के अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ पे 7,777 रुपये के समथिंग अपना यहाँ पे कोर्स फीस रख सकते हो। तो हमें बोला नहीं भाई, हमें मार्जिनल कॉस्ट पे कम से कम पैसे में स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाना है, हमें कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं लेना, हमें अपने साथियों को आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करनी है। एक ऐसा कोर्स लॉन्च किया जाए जो यहाँ पे सभी के लिए मार्जिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हो और उसको हर कोई परचेज कर सके, तो ठीक है। उसके बाद हमने भी बताया कि हम इतना महंगा कोर्स लॉन्च नहीं कर सकते, आप यहाँ पे 1,7 को हटा दीजिएगा सर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बचा 777 रुपये। जो हमारा बंडल कोर्स है वो आपको यहाँ पे 777 रुपये में अवेलेबल रहेगा, किसके लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए, पहले एनरोलमेंट करने वाले 100 विद्यार्थियों के लिए ये बंडल कोर्स 777 रुपये में अवेलेबल है, ठीक है। 777 रुपये में बंडल कोर्स अवेलेबल रहेगा। वीडियो क्लासेज हैं वो यहाँ पे 666, ठीक है, 666 रुपये में अवेलेबल रहेगी। ओनली वीडियो क्लासेज कोई लेना चाहता है तो वो यहाँ पे 666 रुपये में अवेलेबल रहेगी, ठीक है। अगर कोई टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, ओनली टेस्ट सीरीज लेनी है, तो 199 रुपीज की टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए 777 रुपये में ये कोर्स अवेलेबल रहेगा। अब 777 रुपये की मैं बात करूं तो एक महीने का आपका यहाँ पे एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 650 के समथिंग होता होगा, प्लस न्यूज़पेपर की हम बात करें, ठीक है, तो कुछ 150 रुपये के समथिंग न्यूज़पेपर के भी मिलते होंगे। तो मतलब एक महीने में आपका एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर का जो एक्सपेंसेस है उसमें आपका ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा प्राइस नहीं है,
इससे कम प्राइस में काम भी नहीं चल सकता। आप कुछ सोचिए, मैं आपको बता चुका हूँ किस टाइप्स के चार्जेज यहाँ पे लगते हैं। तो इतने सारे टाइप के चार्जेज यहाँ पे लगते हैं और ऐप मैनेज करने के लिए भी हमें बहुत कुछ चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो मैं छोड़ ही देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डेटा पैक चाहिए, ठीक है, डेटा पैक चाहिए इन वीडियोज़ को अपलोड करने के लिए। पीसी चाहिए, ठीक है, पेन टैब चाहिए जो हम कोर्स बनाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर चाहिए जिस पे हम कोर्स को रिकॉर्ड कर सकें, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए होती है। उसके अलावा माइक भी चाहिए होता है, और उसके अलावा यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आपको एक कैमरा भी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, हमें कोई अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेन टेब है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है, वो हम परचेज़ कर लें। तो इस सारी कॉस्ट को मिलाएं तो ये सारा बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। हम ये चीज़ सारी यहाँ पे अलग रख देते हैं कि ये हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, हम ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इतने में भी 777 रुपये एक बहुत ही मार्जिनल कॉस्ट है। आप सब लोगों से मैंने यहाँ पे पूछा था, आप सब साथियों से मैंने यहाँ पे पूछा था कोर्स की फ़ीस क्या रखनी चाहिए, ठीक है, डिस्कस किया। तो वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1000 के समथिंग सभी का रिप्लाई आ रहा था, लेकिन मैंने तो 1000 भी नहीं रखा, ठीक है। टीम फुल स्टडी ने आपको कोर्स रखा है सिर्फ 777 रुपये में, 777 रुपीज़ में। तो ये कोर्स आई थिंक सभी परचेज कर पाओगे। अब यहाँ पे भी मैं बात कर लेता हूँ, किसी को ऐसा लगता है वो 777 रुपये पे नहीं कर सकता, ठीक है। हमारी ईमेल आईडी है fullstudy93@gmail.com। आप यहाँ पे मेल कर देना कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके लिए 777 रुपये भी ज़्यादा है, ठीक है। आप मेल कर देना, मैं अपनी टीम से बात करके, जिस किसी को इस टाइप की जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप खुद मान के चलिए, अगर मुझे नहीं लगता 777 रुपये में किसी को प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम है, तो मैं उसको यहाँ पे और ऑफ करवाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा हमारे पीटीएस साथियों की मैं बात करूँ, अब भी पीटीएस साथी के लिए तो मुझे लगता है 777 रुपये भी ज़्यादा है, ठीक है। 777 रुपये पीटीएस के लिए ज़्यादा हैं। तो पीटीएस साथी जिनकी सर्विस 8 या 9 ईयर्स की हो चुकी है, जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, जिनकी 8-9 साल की लेंथ ऑफ सर्विस है, जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, उनके लिए अभी उनको कोर्स परचेज नहीं करना, ठीक है, उनको अभी कोर्स परचेज नहीं करना है। कोई अगर सक्षम है, कर सकता है तो कर लेना, लेकिन उनके लिए अलग से हम कुछ कोशिश करेंगे बाद में कुछ करने के लिए। तो वो मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना है, ठीक है। आपको अपना पीएफ नंबर और अपनी मोबाइल नंबर के साथ फुल स्टडी 93 पे मेल करना है, लेकिन ये सारी चीज़ें बाद में अवेलेबल रहेगी। अभी सिर्फ है, अभी हमें इतना इसके बारे में डिसाइड करने का टाइम नहीं मिला। तो अभी सब स्टाफ के लिए एक और 777 रुपये में लॉन्च हुआ है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो मतलब पीसीडी हैं, पियोन कम दफ्तरी हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी 777 रुपये का कोर्स परचेज करने में। पीटीएस के लिए मैं अलग से कुछ करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा, इसके लिए हम अपनी टेक्निकल टीम से और हमारे ग्रोथ मैनेजर से बात करके कुछ डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब बात करते हैं वीडियो क्लासेस, आपको 1 सितंबर से हम प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो भाई टेस्ट सीरीज़ अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ में टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हम पहले वीडियो क्लासेज करके कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद तो हमें टेस्ट देने हैं। पहले ही हम टेस्ट देंगे तो फिर मतलब क्या रहा उनका, हमें अपनी तैयारी को तो ही परखना है कि हमने कितना पढ़ा। तो टेस्ट सीरीज है वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही यहाँ पे आपको मिलेगी। अब आपने कहीं पे कॉम्बो पैक लिया, बोल दिया सर इसमें तो वीडियो क्लासेज ही आ रही है, टेस्ट सीरीज नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज भाई बाद में मिलेगी। ई बुक्स जैसे जैसे क्लासेज होती जाएगी वैसे वैसे मिलती जाएगी। जैसे एक क्लास हुई उसकी ई बुक आपको अवेलेबल होगी, सेकंड क्लास की ई बुक अवेलेबल होगी, तो क्लासेज के साथ साथ ई बुक्स अवेलेबल होती जाएगी। लेकिन टेस्ट सीरीज में टाइम लगेगा, और टाइम इसीलिए हम लगा रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप टेस्ट दो, तो एक्चुअली आपको पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की, क्लियर है। अब एक बात यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ साथियों को जैसी क्वेरीज आती कि सर हमें तो ऐसा कोर्स प्रोवाइड करवाइए कि उसमें 100% सब कुछ आ जाए। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं होता, दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं होता जिससे 100% सब कुछ आ जाए। हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। आपको अपना 100% एफर्ट लगाना होता है उन चीज़ों को पढ़ने के लिए। उसके अलावा भी आपको बैंक का स्टडी मटेरियल है, जो भी है, जहाँ से आप पढ़ सको, मैक्सिमम आपको पढ़ना होता है, ठीक है। सर्कुलर्स वगैरह सब कुछ पढ़ने होते हैं।
कोर्स परचेज करने का मतलब ये नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमने कोर्स परचेज कर लिया, इसका मतलब कदापि भी यह नहीं है कि कोर्स परचेज करने से सिलेक्शन हो जाता है। कोर्स परचेज करने के बाद आपको भी अपने लेवल पे मेहनत करनी होगी। हम यहाँ पे जस्ट मेंटरशिप का वर्क कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेंटर हैं, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं उनके बेस्ट वे यहाँ पे सिलेबस तैयार करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि 100% पेपर आपका है जो हमारे स्टडी मटेरियल से ही आ जाए, ऐसा नहीं होता। आप लोगों को भी पता है कहीं पे भी ऐसा नहीं होता, 100% चीज़ें कहीं से नहीं आती, ठीक है। तो बाकी एफर्ट आप लोग लगाओगे तो आप 100% में कर सकते हो, लेकिन 100% अवेलेबल रहेगा ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, हमारी सिर्फ मेंटरशिप है, पूरी तरह से आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत पे होता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पढ़ाया इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मेरे पढ़ाने न पढ़ाने से या किसी और के पढ़ाने न पढ़ाने से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। जो पढ़ाता है वो सिर्फ एक मेंटर होता है, मेंटरशिप का वर्क करता है। मेहनत हमारी खुद की होती है कि हम उसको किस तरीके से पढ़ते हैं, कितना पढ़ पाते हैं और कहाँ से पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें भी रहती है। अब आपका सवाल रहेगा कि इसके अलावा भी पढ़ने की ज़रूरत है। भाई पढ़ना जितना मर्जी हो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, नॉलेज गेन करना होता है, आप कहीं से भी कितना भी पढ़ो, ठीक है। मैक्सिमम चीज़ें मैं यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद एक चीज़ रहेगी इंग्लिश को लेकर के। तो इंग्लिश मैंने आपको पहले भी बताया था, यूट्यूब पे क्लासेस ली थी तब भी, कि इंग्लिश है वो इंग्लिश आप एक दिन में, एक वीक में, एक महीने में नहीं सीख सकते, ठीक है। आप फर्स्ट से ट्वेल्थ तक पढ़े हो तब आपने इंग्लिश सीखी है, लेकिन इंग्लिश में मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें, स्टडी मटेरियल, कुछ क्लासेज प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रोवाइड करवाने की हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको प्रोवाइड करवा दें। ये सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें हैं वो बता पाएगी, इतने में सीख तो हम नहीं सकते, ठीक है। सीखी हुई आपकी ऑलरेडी है, लेकिन क्लासेज मैं यहाँ पे लगा दूंगा, इंग्लिश की क्लासेज भी हम लगवा देंगे आपके यहाँ पे, तो आप इंग्लिश भी पढ़ लेना। एमसीक्यूज भी हम यहाँ पे इंग्लिश के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा कहाँ से पढ़नी है, तो किसी भी स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है जहाँ पर इंग्लिश आती है, या फिर SSC का हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, प्लस टू लेवल का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम की कोई भी इंग्लिश की आप प्रैक्टिस बुक ले लेना, उससे प्रैक्टिस करना, आपको यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कुछ इंग्लिश का सेक्शन भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। टेस्ट सीरीज रहेगी, जनरल बैंकिंग का पूरा कोर्सेज रहेगा, बैंक स्पेसिफिक मटेरियल हम आपको मोटा मोटी तौर पर यहाँ पर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। फुल फॉरम्स हैं वो सारी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी आप लोगों को, ठीक है। CBS मेन्यू है वो मैक्सिमम यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 100% कवर करने की कोशिश रहेगी कि सारा का सारा यहाँ पे कवर किया जाए, लेकिन वही चीज़ है, उसके अलावा भी आपको मेहनत पूरी यहाँ पे करनी होगी। क्लियर है, नो डाउट, सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो अब ऐप का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। Got it? Thank you. Thanks for watching. Have a nice day.